हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कृष्णकांत राठौर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर। पिछली कक्षाओं में हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया था और इसके अतिरिक्त मैंने आपको जैन धर्म व बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे और इसका उद्भव मगध में ही क्यों हुआ, इसके बारे में भी थोड़ी मैंने चर्चा आपसे कर ली थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि प्रत्येक बार मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देते हो। कहीं ना कहीं यह भी आपका एक सजग प्रयास रहेगा, एक एक्टिव अगर आप प्रयास करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी हुई है। और तीसरा है, विश्व दुख से भरा है, गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत कहाँ से लिया। इन तीन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बात की जाए इनके बारे में, तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था 600 BC ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और 16 महाजनपद आपके बीच में लिखे हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि आपको पता है कि 16 महाजनपदों में, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से मगध के उत्कर्ष के बारे में, मगध के उत्कर्ष के बारे में अगर बात की जाए कि ये 16 महाजनपद हैं और इनमें से मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ और अन्य 15 महाजनपद जो बचे हुए हैं उनका उद्भव क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी हमें क्लियर करना है। तो आज मैं आपको पहले तो ज्वाला बता देता हूँ, कुछ जो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी जल्दी करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। सबसे पहले बात की जाए कम्बोज, कम्बोज की जो राजधानी है वह हाटक, कम्बोज की राजधानी क्या है, हाटक है। और यह पाकिस्तान के, यह पाकिस्तान के हजारा क्षेत्र में पड़ता है, नागौर या हजारा क्षेत्र में पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है, हाटक है। आगे बात की जाए कम्बोज के बारे में और क्या क्या याद रखना है हमें, तो कम्बोज व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते हैं, अच्छे नस्ल के घोड़े होने के कारण यह व्यापार का, या बोल सकते हैं कि घोड़े के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। और कम्बोज को अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कम्बोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी, वहाँ के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी के नाम से पुकारा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी के नाम से पुकारा है। इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, कम्बोज की राजधानी क्या है, हाटक है, क्लियर। अब बात की जाए अच्छे नस्ल या किस्म के घोड़े के लिए भी ये फेमस है, क्लियर। अब दूसरा है आपका गांधार, गांधार की जो राजधानी है वह पुष्कलावती, गांधार की राजधानी है पुष्कलावती। और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, यहाँ के जो शासक का नाम है वह पुष्कर सारिन, पुष्कर सारिन। यह इतना प्रभावशाली या शक्तिशाली शासक था कि इसने अवंती के शासक को पराजित कर दिया था और मगध के शासक बिंबिसार ने इसके दरबार में एक दूत भी भेजा हुआ था, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये कहाँ गंधार और कहाँ कहाँ गांधार और कहाँ पर आपका अवंती मालवा के क्षेत्र में, कितना डिफरेंस है दोनों में, क्लियर। तो इन दोनों से आपको पता चल गया पुष्कलावती के बारे में। अब तीसरा है आपका कुरु, ये आपका दिल्ली, मेरठ या हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है कुरु। और जो कुरु की राजधानी है वह इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। यह आपसे पूछा जाए कि इसका नाम महाभारत में भी बोला गया है, इसका नाम महाभारत में भी बोला गया है। तो इन तीनों के बारे में आपने देखा। मत्स्य के बारे में बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह एकमात्र ऐसा जनपद है जो रेगिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, जयपुर आपका पता है राजस्थान में जयपुर है, वहाँ पर पड़ता है रेगिस्तान के इलाके में। और यह मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, विराटनगर है। इसके बारे में केवल आपको इतना याद रखना है। फिर आपका है सूरसेन,
सूरसेन आपका इसकी राजधानी है मथुरा और ये यूपी के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो इससे केवल आपको इतना ही याद रखना है। अब आगे बात की जाए कि आगे और कौन से जनपद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सूरसेन के बारे में आपको एक फैक्टर मैं बता देता हूँ, अवंती पुत्र यहाँ का क्या था, शासक था। यहाँ के शासक का नाम क्या था, अवंतीपुत्र यहाँ के शासक का नाम था। क्लियर, तो आपको याद रखना है अवंतीपुत्र यहाँ के शासक का नाम था। अवंती ये है आपका, क्लियर। अवंती के बारे में भी देख लेते हैं, अवंती ये दो भागों में, उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। क्लियर, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो अवंती के पुत्री थी, उसकी शादी हुई थी सूरसेन के शासक से, और सूरसेन के शासक अवंती के पुत्री का पुत्र कौन है, अवंती पुत्र, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात की जाए आपका वत्स, ये आपका वत्स है। क्लियर, ये आपका वत्स है, इसकी राजधानी क्या है, कौसाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है आपकी, कौसाम्बी है, और यह यूपी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर पौरव वंश का शासक हुआ करता था, यहाँ पर पौरव वंश का शासक हुआ करता था। जो वत्स वाला प्रांत है, जो वत्स वाला प्रांत है, यहाँ पर एक शासक हुआ करता था, उसका नाम है उदयन। क्या नाम है, उदयन। और उदयन ने एक बौद्ध भिक्षु था पिंडौला, बौद्ध भिक्षु पिंडौला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और उदयन एक महाकवि थे, उनका नाम था भास, महाकवि भास। महाकवि भास ने एक नाटक लिखा हुआ है स्वप्न बाष्पदत्ता, जिसमें उदयन और बाष्पदत्ता दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसके बारे में केवल आपको इतना ही याद रखना है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर आपका काशी है, इसको कौन नहीं जानता, वाराणसी यूपी वाला क्षेत्र है। चेदी है, इसकी राजधानी आपको याद रखना है शक्तिमती है, इसको भी सब लोग जानते हैं। मगध अभी विस्तार से पढ़ेंगे। अंग के बारे में आप जानते ही हो, अंग क्या है, इसकी राजधानी चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है, इसके बारे में हम जानते ही हैं। क्लियर, और कुशीनगर मल्ल की राजधानी है। क्लियर, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज का जो आपका टॉपिक है वो मगध के उत्कर्ष से संबंधित है। अब हम मगध के बारे में एक एक और अंग के बारे में एक एक बात को पढ़ेंगे ध्यान से। अब आप सुनिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल फोकस आपका लॉक बोर्ड की तरफ, और अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। क्लियर, अभी मैं आपके सामने बताता हूँ मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है मगध के बारे में कि मैंने आपको बताया हुआ था मगध के बारे में, क्लियर, कि यहाँ से एक शासक हुआ करता था जरासंध। यहाँ का एक शासक था जरासंध, जो कि कौन, ब्रह्मदत्त था। क्लियर, जरासंध वंश से शासक बिलोंग करता था, ब्रह्मदत्त था। क्लियर, अब हर्यक वंश मगध पर आया, नाग जो भी आपको पता है नागदशक हुआ था शासक। क्लियर, तो कई प्रकार के यहाँ पर वंश आए, उनके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ, एक एक से बताऊँगा आपको। पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। क्लियर, तो सबसे पहले इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण क्या है आपका भौगोलिक कारण। जो मगध वाला प्रांत है वह सोन गंडक गंगा इन तीन नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और भौगोलिक दृष्टि से ये तीनों की तीनों नदियां इस यहां से घिरा हुआ है, और कहीं ना कहीं समृद्धशाली क्षेत्र है। समृद्धशाली क्षेत्र माना जाता है उपजाऊ की दृष्टि से सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जाएगी। और जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो कहीं ना कहीं उस देश की या उस क्षेत्र की इकोनॉमी भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। क्लियर, और जब इकोनॉमी
होगी तो राजकोष भी क्या होगा, बड़ा होगा, और राजकोष बड़ा होगा तो जनता क्या होगी, सुख समृद्ध होगी। इसलिए मगध का उत्कर्ष का एक कारण माना जाता है उसका भौगोलिक क्षेत्र, कि भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या, गंगा के, गंगा घाटियों के मध्य में सोनकंडक गंगा, जब ये नदी निकलती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, अधिक उपजाऊ मिट्टी होने के कारण प्रोडक्शन अधिक होता है, अधिशेष कृषि होती है, और अधिशेष जब कृषि होगी तो किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होने से क्या होगा कि राजकोष भरपूर रहेगा, वहाँ की जनता सुखी समृद्धशाली रहेगी, अधिक से अधिक टैक्स देगी, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक बल बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो एक तो कारण है आपका भौगोलिक कारण, क्लियर। दूसरा क्या महत्व, और क्या कर सकते हैं हम सोन गंगा गंडक गंगा, मान लीजिए किसी भी जनपद को या मान लो किसी भी भार वाले क्षेत्र को आक्रमण करना हो या आसपास आक्रमण करना हो तो इन तीन नदियों को पार करके आना पड़ता था, और जब तक कोई व्यक्ति तीन नदियों को पार करेगा, जब तक कोई व्यक्ति इन तीन नदियों को पार करेगा तो कहीं ना कहीं नदियों को पार कर तो इस समय कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा इतने टाइम में वो अलर्ट हो जाएंगे सामने वाले, और अलर्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये आपका दूसरा कारण भी माना जाता है सोनगंडक और गंगा नदी का क्षेत्र होने के कारण। आगे बात की जाए उपजाऊ मैदान, तो मैंने आपको बता ही दिया, एक आप बोल सकते हो कि लोहे का 600 BC के समथिंग जो महाजनपद थे आपका, कौन सा महाजनपद, मगध, यह लोहे का आविष्कार अच्छी तरीके से करना सीख गया था, लोहे का प्रयोग करना अच्छी तरीके से सीख गया था, और जब लोहे का प्रयोग अच्छी तरीके से सीख गया तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बेहतर कृषि पर पड़ता है, और बेहतर कृषि होने से भी क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और वह क्षेत्र क्या होगा, समृद्धशाली होगा। तो हम इनके भौगोलिक कारणों के बारे में बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हाथी, इन्होंने हाथियों का प्रयोग किया सबसे ज़्यादा, इन्होंने किसका प्रयोग किया, हाथी का प्रयोग किया, जिस प्रकार कुत्ते या घोड़े का प्रयोग व्यक्ति वफादार या जंगली अपना पालतू बनाकर करता है, इसी प्रकार इन्होंने हाथी को पालतू बनाया और वहाँ पर किया। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सेल्यूकस निकेटस से युद्ध किया, क्लियर, और सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया, और हारने के बाद अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में 500 हाथी उसको क्या दिए थे, उपहार में दिए थे। तो कहीं ना कहीं मगध वाला क्षेत्र हाथी का प्रयोग करता था, इससे भी सिद्ध होता है तो इन्होंने हाथी का प्रयोग किया था। तो भौगोलिक कारण में मैंने आपको बताया। दूसरा कारण है वैदिक धर्म, दूसरा कारण क्या है वैदिक धर्म, जैसे कि आपको पता है वैदिक धर्मों में चार वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मगध और अंग वाला क्षेत्र निम्न कुल से बिलोंग करता था, और निम्न कुल से बिलोंग करने के कारण यहाँ पर वैदिक धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अन्य जनपदों पर वैदिक धर्म का प्रभाव पड़ा तो वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वैदिक धर्मों में पाप माना जाता था जल यात्रा को, और जब जल यात्रा नहीं की जाएगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, इकोनॉमी डाउन होगी, बाकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। दूसरी बात की जाए कि ब्याज पर ऋण देना, ब्याज पर ऋण हम ऋण देते हैं, और ऋण पर ब्याज लेना अपराध माना जाता था, उसको सूदखोर बेक नोट कहा जाता था, जो कि वैदिक धर्म में पाप है। अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं देगा तो सीधी सी बात है सामने वाला कैसे काम चलाएगा। जैसे मान लो मैं कृषि वर्ग से बिलोंग करता हूँ, कृषक हूँ, और मुझे पैदावार करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँगा, कहीं से कुछ पैसा उधार लूँगा, लेकिन उधार दिया ही नहीं जाता था, वैदिक धर्म में इसको पाप माना जाता था, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन में बाधा पड़ रहा था, लेकिन वैदिक धर्म का मगध और अंग पर कोई प्रभाव ही नहीं, क्लियर। तीसरी बात की जाए कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो कौन से थे, निम्न वर्ग के थे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के थे, और वैश्यों को खेती का काम दिया गया था, तो यहाँ पर बिलोंग करते थे, खेती करते थे, क्लियर, तो ये वैदिक धर्म से अछूते थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं वैदिक धर्म का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी बात की जाए व्यक्तिगत प्रभाव में आपने नाम सुना होगा बिंबिसार का, आपने नाम सुना होगा अजातशत्रु का,
क्लियर, इनके बारे में आपने खूब सुना होगा। तो व्यक्तिगत प्रभाव में बिंबिसार ने क्या किया, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए इसने युद्ध की तकनीकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि व्यक्तिगत प्रभाव में इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया। जैसे मान लो मगध के बारे में, अब यहाँ से कहानी डेवलप होती है, सुनना ध्यान से। अगर व्यक्तिगत प्रभाव में यहाँ पर मगध पर सबसे पहले जो शासक आया वो हर्यक वंश था, और उसकी जो स्थापना की थी बिंबिसार ने की थी मगध पर। अब मगध क्या करता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए युद्ध रणनीति का प्रयोग न करते हुए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग करता है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं अंग की, तो अंग यहाँ पर इसका सपोर्टिव कोई नहीं था। अगर मान लो यहाँ पर युद्ध करता, यहाँ युद्ध करता या यहाँ पर युद्ध करता, तो अवंती तो वैसे भी मिनरल्स खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र था, और मगध तो है ही, आपको पता है आज हमारा बिहार है, जिवाला झारखंड है, जिवाला हिस्सा आज भी समृद्ध माना जाता है। तो मगध वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं खनिज संपदा भरी हुई थी, यहाँ भी थी, अवंती में भी थी, तो ठीक है। लेकिन अंतर क्या आया कि अंग पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था, वो बिल्कुल अलग था। तो अंग के शासक हुआ करते थे उस समय बृहदत्त शासक हुआ करते थे, उसको हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। अब आगे बात की जाए, अब इनकी नज़र कहाँ पर गई बिंबिसार की, इनकी नज़र जाती है कौशल पर। लेकिन ये काशी को भी अपना बनाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं और विस्तार मिलेगा। अब अगर यह काशी वाले क्षेत्र को चाहते हैं, जो कि कौशल के अंडर में आ गया था उस समय, तो इन्होंने क्या किया, कौशल नरेश थे, और कौशल नरेश की पुत्री महाकौशला, कौशल नरेश की पुत्री क्या थी, महाकौशला प्रसेनचित की बहन थी, कौशल नरेश प्रसेनचित की बहन थी महाकौशला। क्लियर, कौशल नरेश प्रसेनचित की बहन का नाम क्या था, महाकौशला था। क्लियर, और महाकौशला से इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इस प्रकार काशी भी इनको मिल गया, अब होड़ होती है, ये भी मिल गया। बज्जी में भी आप देखें तो लिच्छवी वंश के, बज्जी पर वैशाली, इसकी राजधानी क्या है, वैशाली है। यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेटक, लिच्छवी गणराज्य के शासक का नाम क्या था, चेटक था, और चेटक की ही पुत्री थी, उसका नाम था चेलना, ठीक है। चेलना से इन्होंने क्या किया, विवाह कर लिया, लो बज्जी भी मिल गया। अब चेटक की ही बहन थी कौन, त्रिशला, और त्रिशला से क्या, किसका विवाह हुआ था, गौतम बुद्ध का। आप रिलेशन निकाल सकते हो कि इनमें क्या संबंध है बिंबिसार और इनमें। क्लियर, तो बिंबिसार की शादी इससे भी हो गई, अब मिल गया बज्जी, अब क्या, अवंती में तो कुछ दिखा नहीं था इनको। तो अवंती के शासक एक दिन क्या हुआ, चंडप्रदोत, अवंती के शासक का नाम क्या था, चंडप्रदोत। और जब यह पीलिया, जिसको पांडु रोग बोलते हैं, पीलिया से ग्रसित थे, तो बिंबिसार ने जीवक को इनकी देखभाल करने के लिए भेजा था, और जब यह अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मैत्री संबंध हो गए, और मैत्री संबंध हो गए तो कहीं ना कहीं मित्रता का संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो सभी संबंधों में श्रेष्ठ होता है, मित्रता का संबंध। क्लियर, तो मैत्री संबंध के बीच में स्थापित हो गए, अवंती का ही मुद्दा सॉल्व हो गया। अवंती मिला नहीं है अभी, अवंती को मिलाएगा और कोई। क्लियर, तो यहाँ पर अवंती का मुद्दा भी सॉल्व हुआ। अब कौन बचा, कोई नहीं, अभी एक शादी और करेंगे साहब बिंबिसार वाले साहब, ठीक है। एक यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है, आपको याद रखना है, मद्र क्षेत्र की राजकुमारी का नाम क्या था क्षेमा था। इन्होंने उससे भी क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इस प्रकार वैवाहिक संबंध के द्वारा इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो मगध क्या हुआ, शक्तिशाली हुआ क्या नहीं हुआ, आर्थिक रूप से देख लीजिए, व्यक्तिगत योग्यता देख लीजिए, वैदिक धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
ये सारे क्षेत्र कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे पैक्ट कहीं ना कहीं मगध की ओर इशारा कर रहे थे कि यही हमारा सब कुछ है, यही सबसे शक्तिशाली है। इसलिए अब हमें पढ़ना है मगध वंश के बारे में कि मगध पर कौन कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने शासन किया, और मगध के बारे में फुल डीप एंड डिटेल नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान रखें आप, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार क्या क्या हुआ। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मगध पर एक वंश का क्रम पूछ लिया जाता है कि मगध पर कौन कौन से वंशों ने शासक किया। सबसे पहले आया यहां पर हर्यक वंश, दूसरा आया शिशुनाग वंश, क्रम से है बिल्कुल। तीसरा आया नंद वंश और फोर्थ आया मौर्य वंश। क्लियर? पूरी की पूरी ताकत किस में लगाना है? मौर्य वंश में। इनमें भी आता है क्वेश्चन, बता रहा हूँ इनके बारे में भी। सबसे पहले हर्यक वंश। क्लियर? हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे बृहदत्त, ऐसा कहा जाता है। हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे बृहदत्त, ठीक है, और इनका ही एक पुत्र था जरासंध, ठीक है। तो बोलते हैं कि इनकी इन्होंने स्थापना की थी हर्यक वंश की, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्लियर? याद रखना कि बृहदत्त वंश हुआ था, यहाँ पर जरासंध शासक करता था ऐसे भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है। वास्तव में प्रमाण के बारे में बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। कब की हुई थी? 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। क्लियर? किसकी? हर्यक वंश की। और प्रथम वंश था ये कौन सा? हर्यक वंश। ध्यान रखना एक क्रम है आपके, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया दिल्ली सल्तनत वंश पर कौन कौन से शुरुआत में वंश आए, तो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, सैयद वंश है। मुगल वंश में पूछ लिया जाए कौन कौन से शासक हुए, क्रम से बताइए। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, साजा है, औरंगजेब है, फिर उत्तरवर्ती मुगल का काल है। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश की नींव डाली, और इसने सबसे पहले जो बल दिया वो प्रशासनिक बल दिया। प्रशासनिक बल देने वाला यह पहला शासक था। इसने प्रशासन को मजबूत किया। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर व्यक्तिगत योग्यता थी। क्या थी? व्यक्तिगत योग्यता थी। इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया, वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया, और इसने 3 शादी की थी जिनका वर्णन मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसने शादी की महाकौशला से, जिससे कि महाकौशला से शादी की हुई थी। एक कौन थी महाकौशला? तो मैं आपको बताता हूँ, कौशल नरेश, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, कौशल नरेश प्रसन्नचित, प्रसन्नचित, प्रसन्नचित की बहन थी कौन? महाकौशला। क्लियर? प्रसन्नचित की बेटी थी, क्या थी? नहीं, बहन थी, प्रसन्नचित की बहन थी, उसका नाम क्या था? महाकौशला था। ये आपको याद रखना है, प्रसन्नचित की बहन का नाम क्या था? महाकौशला था। इससे इसने क्या की? शादी की। इससे इसने व्यवहार रचाया, और कौशल से क्या मिल गया उसको? जो क्षेत्र मिला बता चुका हूँ आपको, काशी वाला। कौन सा वाला? काशी वाला, और क्षेत्र की सीमा बढ़ गई। दूसरी इन्होंने शादी की थी, वो की थी हम बोल सकते हैं कि बज्जी, क्या बोल सकते हैं? बज्जी। और बज्जी संघ में, जो कि 8 संघों से मिलाकर बना हुआ है, बज्जी संघ में, ध्यान से सुनना, बज्जी संघ के शासक हुआ करते थे, बज्जी संघ के शासक हुआ करते थे, और उनका नाम था, वैशाली क्षेत्र में बज्जी शासक हुआ करते थे, उनका नाम था, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? लिच्छवी गणराज्य के शासक थे, लिच्छवी गणराज्य के शासक, लिच्छवी गणराज्य के शासक, चेटक, क्या नाम था? चेटक था। और चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री का नाम था चेलना। उससे शादी किसकी हुई? बिंबिसार की। दो, और चेटक की बहन थी त्रिशला,
जिससे किसकी शादी हुई थी, गौतम बुद्ध की हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये संबंध भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ब्लड रिलेशन आप लगा सकते हो। तीसरा है आपका कि भद्र या मद्र क्षेत्र की राजकुमारी, क्षेत्र की राजकुमारी, उसका नाम था क्षेमा। इनसे भी इन्होंने क्या किया, संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इस प्रकार इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। क्लियर। अब अवंती वाले क्षेत्र में बात की जाए तो अवंती के शासक हुआ करते थे चंड प्रदोत। जब यह पांडु रोग या पीलिया से पीड़ित हो चुके थे तो इनकी सेवा में जीवक को भेजा हुआ था बिंबिसार ने, इस प्रकार मैत्रेयी संबंध स्थापित किए अवंती से। और जब गौतम बुद्ध बीमार हो चुके थे, बीमार थे उस समय जीवक को इन्होंने भेजा हुआ था, और ये जी वाला ये जीवक है ना, ये वैश्य के गर्भ से जन्म लिया था इसने, और गौतम बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने एक जीवक भेजा हुआ था, एक इन्होंने जीवक भेजा हुआ था, इसका नाम है राजवैद्य, राजवैद्य नामक जीवक को भेजा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इतने सारे काम किए हुए थे गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध नहीं सॉरी बिंबिसार ने इतने सारे काम किए हुए थे। अंत में क्या होता है कि बिंबिसार का ही पुत्र होता है अजातशत्रु, बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, जिसका उपनाम था कुड़िक। इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसार की, और यहाँ से गद्दी पर खुद बैठ गया। इन्होंने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था और 493 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गया। क्लियर। तो कहीं ना कहीं क्या कारण था अपने पिता की हत्या करने का, इसलिए इसको पितृहंसा वंश के नाम से भी पुकारा गया है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, राजनीतिक कारण होगा, तो ये सीधी सी बात है, आपको राजनीतिक कारण इतना उजागर नहीं होता। लेकिन एक कारण मैं आपको बताऊं कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार और उसकी पत्नी महाकौशला को जब जेल में बंद कर दिया था मृत्यु से पहले, बाद में मृत्यु हो गई जेल में, महाकौशला को बंद कर दिया था, तो कहीं ना कहीं महाकौशला और जो बज्जी संघ क्या हो गया था, इससे प्रभावित हुआ था और यह इसका विरोध करने लगा था। सीधी सी बात है, महाकौशला बहन थी, महाकौशला कौशल नरेश की बहन थी प्रसेनजीत की, तो उसको तो गुस्सा आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, फिर महाकौशला और बज्जी इसके विरोधी हो जाते हैं। महाकौशला पर इसने युद्ध किया, अजातशत्रु ने जब इस पर युद्ध किया तो विजय प्राप्त कर ली थी, और महाकौशला से काशी को क्या कर दिया, जीत लिया, काशी को द्वारा जीत लिया महाकौशला से। क्लियर। और बज्जी संघ जो प्रांत था उस पर भी इन्होंने क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो अजातशत्रु के बारे में बता दिया था ना, बज्जी संघ पर ही विजय प्राप्त कर ली थी, वैसे विजय प्राप्त नहीं हो रही थी इस पर, लेकिन उनके दरबार में एक दिन मीटिंग हुई थी, और उनके दरबार में जब एक मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया कि इसको कैसे जीता जाए, क्योंकि बज्जी संघ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष चला, लेकिन इसको अजातशत्रु जीत नहीं पाया। एक दिन एक व्यक्ति हुए, उनसे उसने सलाह की, तो उसने कहा कि ये 8 संघों से मिलकर बना हुआ है, और संघ एक शक्तिशाली होता है, संघ को तोड़ने के लिए आपको फूट डालना पड़ेगी। तो इस प्रकार यहाँ से भी इन्होंने फूट डाली और फिर बज्जी को जीत लिया था। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, वैशाली व काशी को इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी यहाँ पर, वैशाली व काशी पर, ठीक है। ये आपका हुआ अजातशत्रु के बारे में, और ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, जबकि बिंबिसार क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जब गौतम बुद्ध के दरबार में आए हुए थे तो बिंबिसार, उनकी पत्नी महाकौशला और उनके पुत्र अभय, तीनों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ये मगध पर हर्यक वंश के बारे में हमने 2 व्यक्तियों को पढ़ा। अब तीसरा, किन किन को पढ़ लिया, हर्यक वंश में आपका पहला शासक हो गया बिंबिसार। क्लियर। दूसरा शासक हो गया आपका अजातशत्रु। क्लियर। अजातशत्रु ने इस समय बोल सकते हैं कि रथमूसलक, क्लियर, और महासलक कंटक नामक औजारों का भी प्रयोग किया था अजातशत्रु के बाद। तीसरा है आपका उदयन, जो उदयन है, ठीक है, वो उदयन था। क्लियर। इसको इतना जरूर याद रखना, तो उदयन था। क्लियर। अब उदयन के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं कर्मों का फल तो मिलता है,
जब इसने अपने पिता की हत्या की, दोदाई ने भी क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। क्लियर, कहते हैं ना कि जो करते हैं ना ऐसा भुगता भी जाता है। तो उदयन के बारे में मैंने आपसे बात की, उदयन ने क्या किया, सबसे पहले जो गंगा, सोन और गंडक वाले क्षेत्र में एक नगर था पाटलीग्राम, इसकी स्थापना की और इसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। जबकि बिंबिसार के समय राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिवरेज। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो उदयन ने क्या किया, गंगा सोन गंडक नदियों के किनारे पाटलीग्राम की स्थापना इन्होंने की हुई थी। और आगे बात की जाए, ठीक है, और पिता की हत्या कर दी थी इसने, अजातशत्रु ने, ठीक है। आगे हर्यक वंश का इसी प्रकार अंतिम राजा हुआ नागदशक। कई राजा हुए, उनमें से अंतिम राजा था नागदशक, और नागदशक का ही सेनापति था अमात्य था शिशुनाग। शिशुनाग इनसे थोड़ा पीड़ित था, इनके उसमें दुखी था, इसलिए इसने शिशुनाग ने नागदशक की क्या कर दी, हत्या कर दी। और यहाँ से एक नया वंश आया है, बोलो कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। क्लियर, शिशुनाग वंश की इन्होंने क्या कर दी, नींव डाल दी। शिशुनाग वंश ने क्या किया कि जो राजधानी थी, शिशुनाग वंश ने क्या की, राजधानी थी इन्होंने बना ली थी वैशाली। शिशुनाग वंश ने भी राजधानी क्या बना ली थी, वैशाली बना ली थी। जबकि राजधानी क्या हो गई थी, उदयन के समय पाटलीग्राम की स्थापना कर दी थी और इन्होंने इसको राजधानी बनाया था। नागदशक ने वैशाली को राजधानी बनाया। क्लियर, और यहाँ पर उसके बारे में बात की जाए, शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया था, वैशाली को राजधानी बनाया था। और शिशुनाग ने ही जो अवंती था आपका, इसको मगध में विलय कर लिया था, ये आप ध्यान रख सकते हो। इस प्रकार शिशुनाग से यहाँ पर जो वंश हुआ, और इतना ही बोला जाता है, कि शिशुनाग वंश है तो यहां का अंतिम राजा भी था, शिशुनाग पर अंतिम राजा था कालाशोक। कालाशोक इसके समय पर क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो कालाशोक क्या करा, इसने पुनः राजधानी, इसने अपनी पुनः राजधानी वैशाली थी ना, वैशाली को हटाकर इसने राजधानी क्या बना दी, पाटलीग्राम। इसने पुनः राजधानी कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र को इसने पुनः अपनी राजधानी बना ली, और इसके शासक में ही हुआ था, ठीक है। अंतिम शासक जो तो आपका शिशुनाग वंश आ गया, नागदशक था पहला, कालाशोक था, और इसका अंतिम शासक हुआ था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अंतिम शासक का नाम क्या है, नंदीवर्धन है। अब आपका आगे बात करें, ये आपके दो वंश हो गए, एक बिंबिसार के साथ में हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया। अब यदि बात की जाए नंद वंश की, नंद वंश के शासक का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद, और यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। इसको पुराणों में बोला गया है कि यह परशुराम का दूसरा अवतार भी इसको माना जाता है, यह इतना शक्तिशाली था। और कलिंग जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से इसने क्या किया था, एक जैन धर्म की मूर्ति, जैन धर्म जिनसेन, जो जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है, इसको अपने क्षेत्र मगध में लेकर आ गया था। और वहाँ पर कलिंग में इसने क्या किया, एक नहर का निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख कलिंग के नरेश हुआ करते थे खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल में इसका उल्लेख मिलता है, और अभिलेख का नाम है हाथी गुम्पा अभिलेख, हाथी गुम्पा अभिलेख। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, इतना शक्तिशाली शासक हुआ करता था। फिर नंद वंश पर अंतिम जो शासक हुआ उसका नाम है घनानंद। क्लियर, और यह एक क्रूर शासक था, क्रूर शासक था। इसके समय ही रहते थे कौटिल्य, इसके समय ही कौटिल्य रहते थे, और कौटिल्य जब इसके दरबार में आए थे तो उनकी इसने बेइज्जती की हुई थी। तो कौटिल्य ने क्या किया, शपथ ली, उसने उसी समय कहा कि जब तक मैं तेरे वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाद में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से गणानंद को हरा दिया था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये आपका हुआ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब नंद वंश के शासक कौन थे, गणानंद थे। इसी समय क्या हुआ, एक आपने नाम सुना होगा सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से पुकारा जाता है। सिकंदर यह एक विदेशी व्यक्ति था, यूनानी व्यक्ति था, इसने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर, तो इनके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा आपसे। ये अब मौर्य वंश के बाद हम स्टार्ट करेंगे हम इसी में सिकंदर के बारे में, ठीक है।
ये तीन वंश मैंने कराए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब आपका फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, मौर्य वंश है। मौर्य वंश से पहले हम विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे कि ईरानी और यूनानियों ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया, पश्चिम उत्तर भाग पर कैसे, वहाँ से किस प्रकार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। क्लियर, अभी तक हमने हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में जान लिया था, इतना ही आपको जानना है, ये आपके लिए पर्याप्त है। क्लियर, तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी आपके मित्र हैं उन सबको आप इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि आपका एक प्रयास सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।